हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय श्रोता गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज भी हम अपने जो चर्चा का विषय है ये दैनिक राशिफल ही पर बात करेंगे आपके साथ। और इससे पहले कि चर्चा आरंभ करें, दैनिक राशिफल को लेके आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देना चाहेंगे। तो देखिए, ये दैनिक राशिफल और पंचांग दोनों दिनांक 23 दिसंबर 2021 दिन गुरुवार और संवत 2078 का है। हिंदी का महीना पौष, जिसको हम पूस का महीना भी कहते हैं, पक्ष कृष्ण पक्ष और नक्षत्र आश्लेषा और तिथ चतुर्थी चौथ, योग वैद्रथी, करण जो है वो बालव है और राशि कर्क है। चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि में ही संचार करने वाले हैं और राहु काल का समय है आज दोपहर 1:46 से लेकर शाम 3:07 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:02 से लेकर दोपहर 12:50 तक। और इस अभिजीत मुहूर्त की जो समय अवधि हमने आपको बताई है, इसमें आप अपना कोई भी आज शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं बिना किसी संकोच के। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपसे बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि पूर्ण रूप से वर्तमान में जो ग्रहों की गोचर में स्थिति है उस पर आधारित है। और आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी एरीज साइन। तो साथियों, आप मेष राशि के जो जातक हैं उनके आज के दिन काम के प्रति जो जुनून है आपका वो देखने में आएगा और आप काफी एनर्जेटिक भी रहेंगे। और एनर्जेटिक होने की वजह से ही आपका जुनून काम के प्रति रहेगा, बहुत एक्साइटमेंट रहेगी आपको अपने कार्यों को पूरा करने के लिए। घरेलू मोर्चों पर भी कुछ बदलाव की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। और तीसरी बात ये कि आज जो आपकी एक इनकम है उसके अतिरिक्त भी कहीं से धन का लाभ आपको मिल सकता है। और अपने आप को फिट रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना भी एक बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। वैसे उपाय आपके लिए है, किसी सपेरे को सांप को दूध पिलाने के लिए पैसा दे दीजिए। अगर आप ये काम करते हैं, किसी सपेरे को पैसे दे देते हैं दूध पिलाने के लिए, तो ये भी बड़ा उपयुक्त उपाय है आपके लिए। और ऐसा करने से आपके व्यापार या रोजगार में आपकी उन्नति संभव है। शुभ अंक आपके लिए है आज 7 और शुभ रंग आपके लिए है आज सुनहरा। वृषभ राशि यानी के टॉरस साइन, तो आपको बताना चाहते हैं कि जितने भी आपके घर से जुड़े हुए मामले हैं या समस्याएं हैं या कुछ जिम्मेवारियां हैं, उनको अगर आप आरंभ करना चाहते हैं, उनको हाथ में लेकर के उनको पूरा करना चाहते हैं, तो ये हो सकता है कि आपको ये शुरुआत में आरंभ के समय करने के समय आपको ये बहुत मुश्किल नजर आए, समस्या बनती नजर आए इसमें। लेकिन जब आप इसको आरंभ कर देंगे एक बार, तो ये चीजें सुलभ होती चली जाएंगी, आपके लिए बहुत आसान होता चला जाएगा। और आप उन जिम्मेवारियों को या उन समस्याओं को, उन पर जिन पर काम करना आरंभ करेंगे, उन पर पूरी तरह से सफलतापूर्वक कार्य आपका संपन्न होगा। बस एक बार शुरू करने की देर है, उसके बाद तो चीजें और अपने आप ही आगे चलेंगी। और अगर साथियों आप किसी प्रतियोगिता में बैठने के लिए आपकी इच्छा रखते हैं या बैठना चाहते हैं या बैठने के लिए कोई डेट मिल गई है आपको, तो उसमें अगर आपने उसको क्वालिफाई करना है तो आपको उसके लिए अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। बताना चाहेंगे कि आपका जो ये मिलनसार स्वभाव है ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, आपकी ओर, इससे लोग प्रभावित होंगे। ये आपके एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके साथ। शुभ अंक आपके लिए है 9 और शुभ रंग आपके लिए है आज भूरा। उपाय आप क्या करें, काले एवं सफेद तिल
इक्वल क्वांटिटी में मिला लें, एक साथ उनको ब्लेंड कर लें और फिर किसी चितकबरे रंग के कपड़े में बांध करके अपने पास रखिएगा। निरंतर आपका स्वास्थ्य जो है बेहतर रहेगा। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन, देखिए जो जातक मिथुन राशि के अपने एक लोन आदि के लिए ट्राई कर रहे थे, चाहे होम लोन हो या किसी भी प्रकार का लोन हो, उसके लिए अगर आपकी प्रयास चल रहे थे इस दिशा में, तो आज के दिन आपका यह कार्य सफल हो सकता है, पूरा हो सकता है, इसकी बहुत अधिक संभावना है। आज के दिन आप विवाहित जो जोड़े हैं और विशेष रूप से जो नवविवाहित हैं, वो एक दूसरे को समय देने के मामले में बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे और एक दूसरे को समय अपने कार्य में से समय निकाल करके देंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कुछ एक्सरसाइज आदि भी अगर करना चाहते हैं तो यह भी आपके लिए एक उत्तम उपाय रहेगा। साथ ही शुभ अंक आपके लिए है 8 और शुभ रंग आपके लिए हल्का भूरा रंग। अब आपको एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडी दे देते हैं, वो ये कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, साथियों अगर आप नियमित रूप से भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो इसमें क्या होगा, आपके पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी। कर्क राशि यानी कैंसर साइन, आपके घर का माहौल काफी शांतिपूर्ण और बहुत ही अच्छा रहेगा, उसके कारण आपकी जो एनर्जी है वो भी काफी बूस्ट होगी और आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करने में भी आनंद का अनुभव होगा और घर के अंदर थोड़ा सा कह सकते हैं कि धन को लेकर के थोड़ा सा अभाव महसूस किया जा सकता है आपके द्वारा या आपके पारिवारिक सदस्यों के द्वारा, तो उसके रहते हुए थोड़ी सी मन में परेशानी जरूर रहेगी। और आज के दिन जो आपने अब से पहले कुछ गलतियां जाने अनजाने हो गई आपसे, उनसे लेसन लेने का भी आज आप पूरा अपना एक तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और इस बात पर विचार करेंगे कि जो गलतियां हमसे हुई हैं वो किन कारण से हुई हैं और हमें आगे अब क्या करना चाहिए कि इस प्रकार की गलतियां रिपीट ना हो, और आप इस पर कार्य भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली विचार ही करके रह जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। आज के दिन जो उपाय करना है वो आपने क्या करना है, एस्ट्रोलॉजिकल जो रेमेडी है, सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शुभ अंक आपके लिए है 6 और शुभ रंग आपके लिए है 6 हरा। सिंह राशि यानी कि लियो साइन, देखिए साथियों जो भी पेशा आप करते हैं, चाहे व्यापार करते हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं या रोजगार से जुड़े हुए हैं, अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण रूप से सफलता हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पूर्ण रूप से अपने काम पर फोकस करना होगा, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन सफलता हासिल करने के लिए जब तक आप अपने कार्य को पूरे एक उद्देश्य लेकर के चलेंगे और उस पर काम करेंगे और पूरा फोकस करेंगे अपने काम पर, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। इस प्रकार का कुछ ग्रहों का संयोग बन रहा है। आर्थिक मोर्चे पर भी आप सफल रहेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। और आज के दिन कुछ कोई घरेलू या अपने से संबंधित कोई महंगा प्रोडक्ट भी आप खरीद सकते हैं। सोशली आप काफी एक्टिव रहेंगे और एक्टिव के साथ साथ आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। उपाय आप क्या करें, स्त्रियों का देखिए मान सम्मान करना, अगर जो व्यक्ति स्त्री का मान सम्मान करता है उसको कभी जीवन में लक्ष्मी की कमी नहीं रहती, लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर रहती है। अगर वाकई आप होल हार्टेडली स्त्रियों का सम्मान करते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं,
अगर आपने ये कार्य किया तो फैमिली जो है आपका परिवार में जितनी महिलाएं हैं, सिर्फ आपकी पत्नी ही नहीं, सबका सम्मान करें, बाहर भी करें घर भी करें, तो देखिए घर एक स्वर्ग बन जाएगा और मां लक्ष्मी की कृपा भी आपको मिलेगी। आज का शुभ अंक आपके लिए है 5 और शुभ रंग आपके लिए है ब्लूइश ग्रीन। कन्या राशि यानी कि विरगो साइन, देखिए साथियों जो भी आप परिश्रम कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, वो परिश्रम जो है उनको आप ब्रेक ना करें, कंटिन्यू अपने एफर्ट करते रहिए। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि सफलता आपके बहुत नजदीक है, ग्रह जो है आपके वो बहुत ही नजदीक आपको सफलता के लेकर के जा रहे हैं, लेकिन बस हिम्मत ना हारें, हताश ना हो, निराश ना हो, प्रयास जारी रखें, सफलता आपसे कुछ ही दूरी पर है। और दूसरी बात, अपने जो आपके सपने हैं जिनको लेकर के आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन सपनों को अगर आप डिस्कस करेंगे अपने परिवार के अंदर तो कोई भी आसानी से विश्वास नहीं करेगा। तो इसलिए आप अपने जो सपने हैं भविष्य को लेकर के उन पर काम करते रहिए, प्रयास जारी रखिए, परिश्रम करते रहिए और किसी के साथ ये चीज ज्यादा साझा ना करें। देखिए प्यार जो एक चीज है वो ऐसी चीज है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं, किसी से भी, पिता से, माता से, बहन से, भाई से, या अपने प्रेमिका से या प्रेमी से, तो जब आपका किसी के साथ प्यार का रिलेशन होता है तो वहां पर कभी आप कोई चीज इग्नोर करते हैं उनकी एक्टिविटीज को या उनकी बातों को, तो वो सब चीजें जाहिर हो जाती हैं, बहुत आसानी से सामने वाला आपको रीड कर लेता है। तो आज भी कुछ इसी प्रकार का घटनाक्रम घट सकता है आपके जीवन में कि आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति, चाहे वो कोई भी रिलेशन में हो, आपके फ्रेंड हो, आपके कोई भी हो, आप उनकी किसी बातों को या उनके किसी एक्टिविटीज को इग्नोर करेंगे तो ये चीज सामने वाला बहुत अच्छी तरह से समझ जाएगा। लेकिन आपको यहां पर ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि सामने वाला भी आपको उतना ही चाहता है जितना आप। स्वास्थ्य आपका पूरे दिन अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेंगे आप। आज उपाय आपने करना है, तंदूर में मीठी रोटी बनवा लीजिए और उसको कुत्तों को खिलाने से आपकी नौकरी या व्यापार में आपको उन्नति हासिल होगी। शुभ अंक आपके लिए है आज 4 और शुभ रंग आपके लिए बनता है आज मजेंटा। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन, देखिए साथियों आज आपका कोई करीबी इंसान, उसके साथ आपका जो आज समय है वो बहुत ही रोमांचित रहेगा, बहुत रोमांचक, और उसका आनंद लेंगे आप। जो कंपनी आपको मिलने वाली है अपने किसी साथी की या प्रियजन की, अपने लक्ष्य के प्रति भी आपको बहुत एकाग्र होकर के काम करना पड़ेगा। लक्ष्य जो आपने साधा है, जो आप लक्ष्य जिसको लेकर के चल रहे हैं, जो गोल आपके सामने है आपके जीवन में, उसको पूरा करने के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है, पूरा कंसंट्रेशन जरूरी है, और ये कार्य आप कर रहे हैं, करेंगे और करने पर आपको सफलता भी मिलने वाली है। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सजग रहिएगा, ऐसा ना हो कि आप कार्य में इतने व्यस्त हो जाएं कि आपको अपने स्वास्थ्य का ही ध्यान ना रहे। और अगर सिटिंग जॉब कर रहे हैं तो कम से कम थोड़ा सा एक्सरसाइज भी डेली बेसिस पर जरूर कीजिए, अन्यथा स्वास्थ्य गड़बड़ होने के पूरे यहां पर चांसेस बन रहे ग्रहों के अनुसार। उपाय आपने क्या करना है आज के दिन, सोते समय एक तांबे के पात्र में, चाहे वो आप कोई कलश ले लीजिए, कोई गिलास ले लीजिए, उसमें जल रखकर अगली सुबह घर के पास वाले किसी भी पेड़ में, पेड़ की जड़ में आप उस जल को डाल लेंगे तो सेहत के लिए ये बहुत अच्छा उपाय है आपके। शुभ अंक आपके लिए बनता है आज 6 और शुभ रंग आपके लिए बनता है आज सफेद। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन,
देखिए साथियों, कार्यस्थल जो है आपका, जहां पर भी आप कार्यरत हैं, अपने रोजगार में, ऑफिस में, या व्यापार में भी अपने ऑफिस में हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, वहां पर आपको थोड़ा इस बात को लेकर के सजग रहना है, सावधान रहना है कि आपके जो आजू बाजू में काम कर रहे हैं लोग, या करते हैं, या आपका कोई असिस्टेंट है या कोई सहयोगी है, वो आज आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी समस्या ना खड़ी कर दे जिससे कि आपका सारा समय उसको सॉल्व करने में ही व्यतीत हो जाए और आपका अपना खुद का काम, स्वयं का काम पेंडिंग पड़ जाए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए आज आपको पूर्ण रूप से कि कोई भी आपका सहकर्मी या सहयोगी कोई ऐसी समस्या खड़ी कर देगा कि जिसके कारण आप अपना कार्य भूल करके उसके कार्य को संभालने में लग जाएंगे और आपका अपना कार्य पेंडिंग रह जाएगा। आज जो भी आपके अंदर टैलेंट है, जिसको हिडन टैलेंट कहते हैं हम, उसको परखने वाला कोई पारखी आज आपको उसको परख सकता है आपके टैलेंट को। इस बात का भी बहुत अच्छा इशारा ग्रहों की ओर से मिल रहा है। और जहां तक छात्रों का प्रश्न आ जाता है उनकी शिक्षा प्राप्ति को लेकर के, तो ये जो आज का दिन है छात्रों के लिए मध्यम रहेगा परिणामों की प्राप्ति को लेकर के। बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और अभी लक्ष्य आपका दूर है, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए अभी आपको अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। उपाय आप क्या करें, बाहर जाते समय या तो हल्दी का या फिर केसर का मस्तिष्क पर अपने तिलक अवश्य लगा लें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग आपके लिए है आज लाल और शुभ अंक आपके लिए है आज 8। धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस साइन। देखिए साथियों, जिस कार्य से भी आप जुड़े हैं, चाहे रोजगार में हैं या व्यापार में, आज आपको अपने कार्यस्थल में सभी की ओर से, जितना भी आपके सहयोगी हैं, कर्मचारी हैं, ये बड़े हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, आज बहुत अच्छा वातावरण आपको मिलने वाला है। सभी का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त कर पाएंगे और यहाँ तक कि जो आपके कुछ काम पेंडिंग भी पड़े हैं और उनको आप पूरा करना चाहते थे, तो उनको भी आपके कुछ सहयोगी उसमें आपका सहयोग कर सकते हैं उन कार्यों को पूरा करने में। आज कोई अगर सौदा कर रहे हैं आप किसी भी चीज का, कोई वाहन का, कोई मकान का, प्लॉट का, फ्लैट का, किसी भी चीज का सौदा अगर कोई कर रहे हैं, बड़ी किसी महंगी चीज का, तो उस सौदे को एक तरीके से अपने पक्ष में लाने के लिए और उसको पूरा करने के लिए, डील फाइनल करने के लिए आज आप अपना पूरा जोर लगाएंगे। पूरा आपकी कोशिश रहेगी कि ये इसको मैं डील को अपने फेवर में ले लूं या मैं इस चीज को अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग नेगोशिएशन के साथ चीज को परचेज कर लूं। इस बात की भी अधिक संभावना है आज के दिन। और दूसरी बात एक और है, विशेष बात वो ये है कि आज आपके दिल में किसी के भी प्रति कोई चाहत अगर है, उसको प्रभावित करने के लिए ये काफी नहीं है। बात समझने वाली है कि अगर आप किसी के प्रति चाहत अपने दिल में रखते हैं तो उसको कैसे प्रभावित करेंगे, जब तक कि आप कुछ एक्शन ना लें, उस कुछ एक्ट ना करें, तभी तो चीज अंदर की बाहर आनी जरूरी है ना, तभी तो सामने वाला चीजों को समझ पाएगा और प्रभावित होगा तभी। तो ये चीज जिसकी कमी है अभी आपके सामने, इसको आपको ध्यान देना है। स्वास्थ्य को लेकर के आज सचेत रहेंगे आप, ये अच्छी बात है और स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए। उपाय आप क्या करें, दूध एवं दही का सेवन करने से स्वास्थ्य और अधिक बेहतर होगा। शुभ अंक आपके लिए है आज 1, शुभ रंग है आपके लिए हल्का लाल। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन। देखिए साथियों, जो छात्र हैं उनको अपनी शिक्षा प्राप्ति को लेकर के उनके अनुकूल परिणाम प्राप्त होने की संभावना पूरी पूरी बन रही है, लेकिन लापरवाही अगर हो गई आपके द्वारा कहीं, तो परिणाम आपके प्रभावित भी हो सकते हैं। और समाज में आपसे लोग आपकी काबिलियत को देख करके, आपकी बुद्धिमत्ता को देख करके आपसे लोग सलाह लेंगे, कंसल्ट करेंगे लोग आपको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में।
और उसके कारण आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। और साथ में अगर आप किसी से लोन लेना है किसी कार्य के लिए, या लोन देना चाहते हैं, लोन देने का काम करते हैं, दोनों में ही आप सफल रहेंगे और ये कार्य आपके सिद्ध होंगे। और लोगों का जो पॉजिटिव एटीट्यूड है आपके प्रति, उससे भी आप प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। उपाय क्या करना है? मां दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के प्रसाद चढ़ा करके गरीबों में बांटिए, आपका पारिवारिक जीवन जो है वो सुखद होगा। शुभ अंक आपके लिए है 9 और शुभ रंग आपके लिए है गुलाबी। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन। देखिए साथियों, आज जो भी आप जिस पेशे से भी जुड़े हैं, चाहे रोजगार में हैं या फिर अपने व्यापार में हैं, आज के दिन कुछ जिम्मेदारियां आपके ऊपर अधिक रहेंगी, जिम्मेदारियों का जो बर्डन है कुछ अधिक रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनसे पीछे हटेंगे। आप भी उन जिम्मेवारियों को पूरा करने में अपनी पूरी सामर्थ्य लगाएंगे, पूरा उसमें समय देंगे। आप आपका भी बहुत पॉजिटिव सोच रहेगा उन जिम्मेदारियों को पूरा करने में, और इसी वजह से यही सब चीजों को देख करके जो दूसरे लोग हैं आपके चारों तरफ, वे भी आपसे प्रेरित होंगे और वे भी अपने जीवन में इस प्रकार का एक आपसे लेसन लेंगे और इसको अपने जीवन में उतारेंगे और उस पर चलने की कोशिश करेंगे। परिवार में आपके किसी संपत्ति के लेकर के, संपत्ति से जुड़े किसी मामले को लेकर के थोड़ा बहुत वाद विवाद हो सकता है। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए साथियों, आज के दिन अगर कोई आपको सलाह दे रहा है तो यह सलाह गलत हो सकती है, इसकी संभावना बहुत है, और अगर उसकी सलाह पर आपने कार्य किया तो इसका आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो यहां पर हम यही सुझाव देना चाहेंगे आपको, आज के दिन अगर कोई सलाह आपको देता भी है तो उसकी बात को सुन लीजिए, बिल्कुल अच्छी तरह से सुन लीजिए, लेकिन करिए अपने मन की उस सलाह पर काम ना करिए आज के दिन। उपाय क्या करना है? तांबे के बर्तन में रात भर रखा हुआ पानी सुबह पीने से स्वास्थ्य में सुधार होने के पूरे पूरे आपको फायदा मिलने वाला है। शुभ अंक आपके लिए है 11 यानी कि 2। शुभ रंग आपके लिए हो गया हल्का गुलाबी। अंत में मीन राशि यानी कि पाइसिस साइन। तो साथियों देखिए, मानसिक तौर पे अपने कार्यों के प्रति एक जुनून दिल और दिमाग में रखना और बनाए रखना, इससे क्या होता है कि आप अपने कार्यों को शीघ्र और सफलतापूर्वक पूरा करते हैं। और कुछ आज इसी प्रकार की स्थिति आपके केस में भी दिखाई देती है कि आज कुछ इसी प्रकार का आपका भी सोच रहेगा। जहां तक छात्रों का प्रश्न आ जाता है, उनकी शैक्षिक योग्यता को लेकर के या शिक्षा प्राप्ति को लेकर के, तो ये भी आज के दिन उनके लिए सफलता का दिन है। वे अपने शिक्षा प्राप्ति को लेकर के अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। और अगर आपको कुछ वित्तीय सहायता की आवश्यकता पड़ रही है, फाइनेंशियल कुछ असिस्टेंस आप चाहते हैं, तो जहां से भी आप लेना चाहते हैं, किसी बैंक से या किसी व्यक्ति विशेष से, तो यह कार्य भी आज आपका पूरा हो सकता है। और जहां तक घरेलू मामलों का सवाल आ जाता है, तो यहां पर भी घर का वातावरण आपके अनुकूल रहेगा, सभी के साथ आपका बहुत सामंजस्य बना रहेगा, और कोई अच्छा सरप्राइज गिफ्ट भी आपको किसी के द्वारा अगर मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात इसमें नहीं होगी, क्योंकि ग्रहों का कुछ ऐसा योग बन रहा है। आज के दिन साथियों आपकी आंखें 4 हो सकती हैं,
और ये जो आंखें चार हैं ये आगे जाकर के एक काफी मजबूत रिलेशनशिप में कन्वर्ट भी हो सकती हैं, इसके भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। उपाय आपने क्या करना है, हल्दी की गांठ लीजिए, केसर लीजिए और पीला चंदन और पीले रंग की दाल, इसका अधिक सेवन करें आप। ऐसा करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शुभ अंक आपके लिए है आज चार, शुभ रंग आपके लिए है आज हल्का नीला। मेरे प्रिय साथियों, ये था आप 12 राशियों के जो जातक हैं उनका दैनिक राशिफल लेकर के मेष से और मीन राशि तक, जिनको हमने ये बताने की कोशिश की कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। लेकिन समय आ गया है मेरे प्रिय साथियों कि अब हम अपनी वाणी को यहां पर विराम दें और अपने आप सभी प्रिय श्रोतागणों से इजाजत लें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।